नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री जी का 8 ऐसा योजना है जिसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आप सभी को पैसा मिलेगा और बड़ी फायदा भी मिलने वाला है। और इसमें आवेदन करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे अपना मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से मात्र 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का 8 योजना कौन कौन सा है और कैसे हमें बेनिफिट मिलने वाला है, किस प्रकार से हमें पैसा मिलेगा, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का 8 योजना में से सबसे पहले हम पहला योजना के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा योजना के बारे में बात करेंगे, तीसरा योजना के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से जो है कि हम स्टेप बाय स्टेप करके 8 योजना के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से आवेदन करना है, कैसे फायदा मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो पहला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो फायदा मिलने वाला है 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का। कैसे मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो प्रति साल आपको जो है कि 12 रुपया पेमेंट करना होगा। फायदा कैसे मिलेगा तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में बताया गया है। पहला स्टेप में बताया गया है कि अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपया मिलेगा। दूसरा स्टेप में बताया गया है कि अगर आपका दोनों आँख, दोनों पैर, दोनों हाथ जो है कि अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपये का फायदा। तीसरा स्टेप में बताया गया है कि अगर आपका एक आँख या एक पैर या एक हाथ जो है कि क्षति हो जाता है तो ग्राहकों को 1 लाख रुपया मिलने वाला है। इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक धारक जिनकी आयु 18 वर्ष लेकर 70 साल के बीच में। इस योजना में आप आवेदन 2 तरीका से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए बैंक का, तो अपना नेट बैंकिंग को ओपन करके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाकर वहां से आवेदन करवाना होगा। अब हम प्रधानमंत्री जी का दूसरा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरा योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो हर महीना जो है कि 3000 रुपये का पेंशन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं और फिर हम आवेदन करने का प्रोसेस भी बताएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इस योजना में उन लोगों को आवेदन करना है जो असंगठित श्रमिक है। इसमें आवेदन करने के लिए आपका एज जो है कि 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय 15000 रुपये तक का होना चाहिए। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो उम्र के हिसाब से आपको जो है कि पेमेंट करना है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो आपको पेमेंट करना है 55 रुपया, और 55 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि पेमेंट किया जाएगा, यानी आपके नाम पे टोटल 110 रुपया महीना जो है कि जमा होते जाएगा। और जैसे आपका उम्र जो है कि 60 साल पूरा हो जाता है तो फिर आपको 3000 का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, अगर आपका 19 वर्ष उम्र है तो आपको कितना पेमेंट करना है, तो 58 रुपये पेमेंट आपको करना है 60 साल तक का। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 40 साल तक के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसमें आवेदन करने के लिए टाइप करना है ब्राउजर में मानधन, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कट, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है सर्विस, और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ईरो का सीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है न्यू इनरोलमेंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डालकर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो इस प्रकार एक पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले जो कि आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए, तो उसके लिए यस
पे क्लिक करना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए 7 स्टेप दिया गया है, 7 स्टेप में जो है कि इसको आवेदन कर लेना है। कैसे आवेदन करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को देखकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम तीसरा योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो तीसरा योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर आपको लोन की जरूरत पड़ गया है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको लोन दिया जाएगा 50,000 से लेकर 10 लाख रुपया तक का बिजनेस करने के लिए। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन कैसे लेना है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है कि उसका लिंक मिल जाएगा। कैसे आवेदन करना है उस वीडियो को देखकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी का चौथा योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो चौथा योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको सालाना का 6,000 रुपया दिया जाएगा और 4 महीना पे आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपया की राशि ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके लिए ब्राउजर में टाइप करना है पीएम किसान, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे ऊपर में ही जो लिंक दिख रहा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन किया जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक जो है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब हम प्रधानमंत्री जी का पचमा योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो पचमा योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा, काम सिखाया जाएगा। जो आप काम सीखना चाहते हैं, आप एक बेरोजगार हैं, बेरोजगार के तलाश में लगे हुए हैं, तो इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में काम सिखाया जाएगा। काम को अगर आप सीख लेते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहां तक कि आपको गवर्नमेंट से 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक के बीच में आपको फायदा भी मिलने वाला है। और जैसे आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको रोजगार भी दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप सिंपल तरीका से आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी का छठा योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो छठा योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो बिल्कुल फ्री में भरा हुआ सिलेंडर चूल्हा के साथ आपको दिया जाएगा, साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगा हर सिलेंडर पर। इस योजना में कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इस श्रेणी से अगर आप आते हैं या फिर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना में सिर्फ महिला ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका उम्र जो है कि 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कैसे आवेदन करना है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है 3 लाइन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आवेदन आपको करना होगा। कैसे आवेदन करना है इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब हम प्रधानमंत्री जी का सातवां योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो सातवां योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड से आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का सालाना मुफ्त आप इलाज करवा सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम होना चाहिए या फिर आपके पास राशन कार्ड या फिर लेबर कार्ड होना चाहिए, तो फिर आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए ब्राउजर में टाइप करना है बेनिफिशियरी NHA, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन किया जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। छोटा मोटा जो नोटिफिकेशन आते रहता है उसका हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, पर उसका नोटिफिकेशन जो है कि टेलीग्राम चैनल पे सेंड हम कर देते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी का 8वां योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो 8वां योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में अगर आप आवेदन करते हैं और अगर आप एक किसान हैं और फसल में अगर नुकसान हो जाता है तो उसका गवर्नमेंट के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। कैसे मिलता है, क्या इसका प्रोसेस है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद किसानों को सुरक्षा प्रदान करना और फसल खराब होने पर उन्हें बीमा कवर देना है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है। इस योजना के तहत बुआई से पहले और फसल काटने के बाद तक बीमा सुरक्षा मिलती है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है इस योजना के तहत किसानों को किसी तरह की प्राकृतिक आपदों से फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जाता है। आवेदन करने के लिए ब्राउजर में टाइप करना है PMFBY, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसी पोर्टल के मदद से आप जो है कि यहां से आवेदन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का 8A योजना है जिसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो इस प्रकार से आपको जो है कि फायदा मिलने वाला है।